स्वागत है दोस्तों थोड़ा थोड़े अपने चैनल पंजाबी टॉक्स विच। दोस्तों हाजिर होया एक नवी जानकारी लैके, एक नवी वीडियो लैके। पंजाब के सरकारी स्कूलों होवेगी वड्डी तब्दीली। सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस ने लिया अहम फैसला। पंजाब की भगवंत मान सरकार के वलों सरकारी स्कूलों लिए अहम फैसला लिया गया है। दोस्तों किहड़ा फैसला लिया गया है अते किहड़ी तब्दीली की गई है जाणांगे पूरी जानकारी इस वीडियो विच। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जी बेनती है, अगर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो कृपा करके साडे चैनल पंजाबी टॉक्स नूं सबसक्राइब कर लेना अते नाल ही बैल आइकन दा बटन दबा लेना तां ही साडी आउण वाली सारी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच सके। तो दोस्तों आओ नज़र मारते पूरी खबर ते। इस बारे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दिंदिया दस्सिया है कि अगले 3 महीनों दौरान पंजाब सरकार वड्डी तब्दीली करन जा रही है। बैंस ने कहा कि हुण कोई भी बच्चा थले नहीं बैठेगा, उन्हां दे वास्ते बैंचां दी व्यवस्था करन वास्ते सरकार वल्लों 25 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। छेती ही सरकारी स्कूलों में बैंच पहुँचा दिए जाएंगे। हरजोत बैंस ने यह भी कहा है कि पंजाब पहला ऐसा सूबा बनन जा रहा है जिथे सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 6,800 बाथरूम स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस तो इलावा 800 करोड़ रुपए की लागत नाल 10 क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। इस तो इलावा होर बैंस ने कहा है कि पंजाब के सरकारी स्कूल हुण वाईफाई के नाल लैस होणगे। सो दोस्तों यह एक बड़ी जानकारी निकल के आई सी पंजाब के सरकारी स्कूलों के विच बदलाव में लैके। तुहाडी इस बारे की राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। इस तरह होर वड्डियां अते ताज़ा खबरों के लिए साडे चैनल पंजाबी टॉक्स नाल जुड़े रहना। मिलते हैं नवी वीडियो में नवी जानकारी के नाल। तद तक धन्यवाद जी।